एक बार तालियां। वैसे भी देखो आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं जो अमर सिंह के लिए जयप्रदा था। ईश्वर ने सारे कलाकारों को वरदान दिया हुआ है जो इनकी परफॉर्मेंस पे ताली नहीं बजाएगा ईश्वर उसे अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाने को मजबूर कर सकता है। आपको अपना अगला जन्म सुधारना हो तो इशारा समझिएगा। ये सारे संकेत ऐसे ही वो भी बता रहे थे, वो कह रही थी अभी हमारी जो है सहपाठी के दिल मांगे मोर, तो मैं भी उनसे चर्चा कर रहा था। मैंने कहा ये दिल मांगे मोर दो पैक तो ठीक है, चार पैक बाद ये दिल मांगे मोर नहीं आने वाले, इसलिए जो भी भाषा इस्तेमाल करो वैसी करो। बहुत सारी बातें देखो ये गीत वीत बिन घूम रूप के बजवा रहे थे। मैं तो हरियाणा का हूँ रहने वाला, हरियाणा में आपको पता है कैसे कैसे मामले हो जाते हैं। फरीदाबाद से आपके बीच में आया, हमारे यहाँ तो गीत भी लिखे जाएंगे पढ़े जाएंगे तो बड़ा अजीब। वो एक ने कह दिया भाई ने सीप जैसी खूबसूरत है तेरी आंखें, पहली लाइन तो बहुत बढ़िया कही, बोले सीप जैसी खूबसूरत है तेरी आंखें, जी चाहता है इन्हें फोड़ के मोती निकाल, जैसे पट्टा पूरा प्रॉफिट ही अपनी लुगाई से लेगा। एक और आ गया बोले उसने कहा कि सब कुछ लुटा दिया तेरी याद में सितंबर, सब कुछ लुटा दिया तेरी याद में सितंबर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी। तो अपने यहाँ तो गीतों के मामले ऐसे ही, पर ताली वाली मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो मैं आपकी मानसिकता समझता हूँ, आप लोग पूरे कैलकुलेटिव आदमी हो, देश में कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेटिव होना चाहिए। हम तो जब यहाँ आ रहे थे तो यहाँ हमारे जो अफसर है उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मैंने खाना खा लिया, मैं उठने लगा तो मुझसे कहने लगे दीपक जी एक रोटी और खाओ, एक रोटी और खाओ। मैंने कहा भाई साहब पहले ही छह खा चुका हूँ, बोले नहीं खाई तो तुम्हें आठ है पर जिम कौन रहा है। तो ये सारे कैलकुलेटिव मांगे हैं। पर आइए एक चीज और आपको बताऊँ, आप हंसे ना हंसे कोई दिक्कत नहीं है, ये देश जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ घुटनों से आदमी भले ही अटल बिहारी हो जाए लेकिन दारू पीने के बाद मन से हमेशा एनडी तिवारी रहता। अभी हम आपके मन तक पहुंचेंगे जुड़ेंगे। और आइए बहुत सारे रंग हैं हमारे पास, धीरे धीरे अभी जैसे जैसे आपकी शुरुआत है हमारी भी शुरुआत है, जितनी देर में आपका गला खुलेगा हमारे कलाकारों का भी गला खुलेगा। आइए हम फिर से उसी धारा में आपको लेकर चलते हैं और चाहता हूँ जिनके हाथ में गिलास और खाने की चीजें ना हो वो कम से कम हमारे साथियों का साथ देते रहे। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन भाई जी। हाँ अब जरा माहौल एक बार फिर जरा शायराना हो जाए, कुछ नमों की ओर हो जाए, एक बार फिर सभी उपस्थित सदस्यों का करते हुए स्वागत। आपके मनोरंजन के यहाँ रंगमंच पर इस समय एक नया रंग उपस्थित है, एक नया सितारा उपस्थित है, एक नया कलाकार उपस्थित है। जी हाँ, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन जी टीवी पर सारे गवा फेम के बाद, जी हाँ बेहतरीन काम करने के बाद आज की शाम जी हाँ श्री अल्ट्रा के बेहतरीन कार्यक्रम में आए हैं वो लगाने चार चार। तो जय देवी मा सज्जनों, आज की शाम में जरा लुत्फ उठाते हैं वन एंड ओनली हमारे साथ हमारी बेहतरीन कलाकार जिसे कहते हैं एम बोले तो मुन्ना भाई, तो ए बोले तो वन एंड ओनली हमारी अनुजा जी। जोरदार तालियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अनुजा जी का स्वागत करें आज के इस उत्सव में। एक बार फिर श्री अल्ट्रा के यहाँ पर मौजूद सभी सदस्य सभी मेहमानों के लिए यही कहते हैं स्वागतम सुस्वागतम। चलिए आज के इस शुभ कार्यक्रम में एक और बेहतरीन नगमा, एक और बेहतरीन तराना, पर इस समय स्टार योर कलाकार है एक नया चमत्कार आपके बीच वन एंड ओनली एवरीवन प्रेजेंट टू यू अमजा जी। अमजा जी चलिए आज की बेहतरीन शाम में आप जब आ गए हैं तो हम लोग आपके आवाज से ही गाना सुनना चाहेंगे। मैं इस समय अपनी बातों को लगाती हूँ छोटा सा फुल स्टॉप और आपके लिए यहाँ मंच पर हमने कराए हैं खास इस श्री अल्ट्रा के कार्यक्रम में अनुजा जी। एवरीवन तालियां, थोड़ी तालियां कभी जोरदार।